गुड मॉर्निंग, कैसे है? ठीक है। कहाँ से आप? हम लोग असम से। तो आज डे 3 है हमारा और बोट पे लोड हो गए। आज हम श्रीनगर घूमने जा रहे हैं। बोट आ गया। चलते चलते दुकान Hi guys, welcome or welcome back to my channel again. This is me Anna here. तो guys, आज हमारा day 3 है श्रीनगर पे और आज हम proper श्रीनगर घूमने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम tulip garden जा रहे हैं। सुबह की 8:30 बज रहे हैं, पता नहीं, हम try कर रहे हैं सबसे जल्दी पहुंचने के लिए। देखते हैं पहुंचते कि नहीं सुबह सबसे जल्दी, क्योंकि बहुत लोग आएंगे और आज सैटरडे है और बहुत सारे टूरिस्ट लोग आए हैं फोटोज क्लिक करने के लिए। तो चलिए चलते हैं tulip garden। बहुत सुना है tulip garden के बारे में। अभी हम लोग हाउस बोट से निकले ही हैं। और भैया जी, आपका नाम? पंपोश। पंपोश भैया जी हमको बोट पे राइड करके लेके जा रहे हैं। बोट डल लेक क्रॉस कर रहे हैं तो हम लोग चलेंगे अभी tulip garden। सबसे पहले हमारा कैब भैया भी यहाँ अक्रॉस लेक पे रुक रहे हैं हमारे लिए। चलिए चलते हैं गाइस, सुपर एक्साइटेड। तो मेरा फेलो ट्रैवलर्स भी अपने अपने इंट्रोड्यूस फिर से देंगे इस ब्लॉग पे। आपसे शुरू कीजिए। माय नेम इज बुमनी। हाय, आप कहाँ से हो? मैं हूँ डिब्रूगढ़ से। डिब्रूगढ़। और आप दोनों? माय नेम इज रूपम, रूपम तालुकदार। आई एम फ्रॉम डिफू कर्बेलुंग। और आप? माय नेम इज प्राप्ति जिक्तू। आई एम फ्रॉम डिफू। ठीक है, आज हम लोग tulip garden जा रहे हैं। चलिए चलते हैं। तो ऑल ऑफ देम आर इन इंडिगो एयरलाइंस और हम लोग सब साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। दिस इज सो नाइस टू ट्रैवल विद देम। न्यू पीपल, न्यू फ्रेंड्स, न्यू मेमोरीज, न्यू प्लेस। तो वो रहा हाउस बोट और वो रहा फेरी राइड। वहाँ से हम आ गए हैं शिकारा राइड से। ये है हमारा टैक्सी भैया, टैक्सी आ गया है। गाइस सुबह का 8:43 AM हो रहा है और ये देखिए tulip फूड फेस्टिवल चल रहा है। तो पूरा ये tulip गार्डन के रोड साइड में बहुत सारा स्टॉल्स लगे हैं और बहुत सारे टूरिस्ट आए हैं। इतना सुबह उठ के आए हैं हम, फिर भी बहुत सारे भीड़ है अभी भी सुबह सुबह। चलिए चलते हैं tulip गार्डन। वाह, कितना सुंदर लग रहा है ये फूल। टिकट प्राइस ₹59 फॉर वन एडल्ट, ₹24 बिलो 12 इयर्स। ये देखिए कितना भीड़ है, बहुत भीड़ है सुबह सुबह। गाइस हम tulip garden के अंदर आ गए हैं। ₹59 पर हेड हम लोगों को एडल्ट को लगा टिकट और ₹24 बिलो 12 इयर्स को होता है। वो सुबह इतने सारे लोग आए हैं, इतने सारे टूरिस्ट हैं और यहाँ के लोकलाइज भी यहाँ घूमने हैं क्योंकि tulip garden फूड फेस्टिवल चल रहा है। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं और मैं आप लोगों को tulip garden का व्यू दिखाती हूँ, इतना सुंदर है। दूर दूर तक ख़त्म ही नहीं हो रहा गार्डन, बहुत बड़ा है और सब जगह tulip से भर के है। तो गाइस ये जो tulip garden दिख रहा है आप लोगों को, ये tulip garden जो है एशिया का लार्जेस्ट tulip garden है कश्मीर में और ये जो है फ्लोरिकल्चर को मेंटेन करने के लिए बनाए हैं। और tulip garden जो है 30 हेक्टर्स स्प्रेड होके रखा है, पूरा 30 हेक्टर्स का tulip garden है। और 2007 में ये tulip garden जो है ओपन हुआ था फॉर टूरिज्म बूस्ट करने के लिए और फ्लोरिकल्चर बूस्ट करने के लिए। इफ द अर्थ लाफ्स इन फ्लावर्स देन tulip garden इज हिस्टोरिकल। तो यहाँ पे tulip garden फेस्टिवल हो रहा है, सब आए हैं, स्कूल से भी बच्चे लोग आए हैं और बहुत सारे टूरिस्ट भी आए हैं। कुछ प्रोग्राम हो रहा है और हम लोग फोटोज ले रहे हैं यहाँ पे।
Plucking of flowers is prohibited. In case violation of direction, fine of rupees 500 will be charged. ये देखिए यहाँ पर कैसा रील शूट कर रही है. वाओ, सुंदर लग रही है. लीफ गार्डन जितना सुना था ना, सच में भी इट्स वर्थ इट कमिंग हियर. बहुत ही सुंदर है. जिसको भी फ्लावर्स बहुत पसंद है ना, यहाँ पर आएगा ना, बहुत अच्छा लगेगा. मन पूरा खुल जाएगा. मन खिल जाएगा पूरा फ्लावर्स देख के. बहुत ही सुंदर है. हेलो सुजैन, कितना सुंदर है सुजैन. ओले, इतना प्यारा है. देखो इधर, देखो इतना सुंदर है. हाँ, क्या नाम है आपका? सेरी. सेरी, इतना क्यूट. आपका? सुजा. सुजा, ओके. बाय बाय. मेड न्यू फ्रेंड्स, बच्चे लोग. प्यारा है. बाय. इट सीम्स वो लोग भी यहाँ से ही हैं, कश्मीर से, लेकिन थोड़ा दूर से है, तो वो लोग भी यहाँ पर घूमने आए हैं. यहाँ से 3-4 घंटा का रास्ता है उन लोगों का भी जगह. वाओ, येलो टुलिप इतना सुंदर लग रहा है. ब्यूटीफुल भैया, थोड़ा आसाम में फोटो जाएगा आपका. इतना सुंदर. नहीं, किसी को भी नहीं. अच्छा, इतना सुंदर से आपने रखा है ना, इसलिए ठीक है. थैंक यू भैया. बोर हो गया. वो इट सीम्स इज द गार्डनर हियर, तो दे आर ओनली अलाउड इनसाइड. और हमारे लिए यहाँ पर बॉर्डर लगाए, कोई भी अंदर नहीं जा सकते हैं. वहाँ पर कोई तो अंदर आया है, तो भैया उनको भगाने जा रहा है. बच्चे लोग भाग रहे हैं. ये देखिए, अलाउड नहीं है. भैया, आपका नाम क्या है? हाँ, आपका? मोलाम मोहम्मद. अच्छा, हाय करो. हाय. वो गार्डनर है यहाँ पे. ये है वो नटखट बच्चे लोग. गार्डन घुस गए थे लोग. ये देखिए, फोटो क्लिक कर रहे हैं सब लोग यहाँ पर. कितना प्यारा है. सब यहाँ पर फोटो ले रहे हैं. आई थिंक दिस इज द फोटो पॉइंट. कहाँ से आप लोग? कहाँ से है? सोनमार्ग. ओ, यहाँ से कितना दूर है सोनमार्ग? कितना दूर है आप लोग का जगह यहाँ से? थोड़ा सा. ज्यादा दूर नहीं है. एक घंटा, एक मिनट. सुपायकस. अच्छा, ये आपको चाहिए? अच्छा, ये लो. सुपाइकस बोलते हैं. अच्छा, सुपाइकस. हमसे सुपाइकस लिया उसने फोटो क्लिक करने. कितना खूबसूरत है आप लोग, बहुत सुंदर है. कश्मीरी है ना आप लोग? सब लोग फोटो लेंगे साथ में. चलिए, ये देखिए, मेरा शेड लेके बहुत खुशी से फोटो क्लिक कर रही है. कितने खूबसूरत है. वाओ, फुलकुमारी कितना दुनिया लगी से थे फुलकुमारी टू. ये देखिए कितना सुंदर है. और बीच में फुलकुमारी. फोटो मारी बोल, टाइम ना पाऊं. वे मोर टर्न, मोर टर्न. अभी हम बैठेगा इधर. हेलो, हाय. आपके नाम? जी, मेरा नाम है कुलसुमा. क्या है? कुलसुमा. कुलसुमा, अच्छा लगा आपसे मिलके. और आप लोगों का नाम? आपका नाम? महवेश. अच्छा, आप बहुत खूबसूरत है. अच्छा लगा आपसे मिलके. आपका नाम? साहिबा. साहिबा, वाह, बहुत अच्छा नाम है आपका. और आपका नाम? उर्फी. उर्फी, वाह, बहुत खूबसूरत है आप. और आपका नाम? मेरा नाम आलिया. आलिया, वाह. और आपका नाम? ओ, आप तो बोल दिया ना. और आपका नाम? सुमेरा. और आपका नाम? सुरैया. अच्छा. अच्छा लगा आप सबसे मिलके. बाय बाय. दिस ग्रुप ऑफ लेडीज वर सो क्यूट. मैं थोड़ा सा नर्वस हो रही थी इन लोगों के साथ वीडियो कैसे बनाऊं, क्योंकि थोड़ा सा नए लोग मिलते हैं तो थोड़ा लगता है कि अरे इफ़ दे आर कम्फर्टेबल और नॉट. तो मैं ऐसे खड़ा होकर स्माइल कर रही थी, एंड देन उन लोग खुद ही आए और मुझे ये शेड मांगा. देन आई वॉज लाइक, वाओ, इतना कूल. तो मैंने खुद ही उन लोग से बात कर लिया, फिर वीडियो भी बनाया. कितना अच्छा, स्वीट लेडीज.
बहुत स्वीट है यहाँ पे लोग, बहुत ही स्वीट और हम्बल है। चलो ये बिहाइंड द सीन है ये। ओ दूर दूर तक ट्यूलिप गार्डन ही दिखेगा आप लोगों को, क्योंकि ये 30 acres का लैंड है। ये देखिए बहुत लोग आए हैं दूर दूर से घूमने के लिए, कश्मीर के लोग भी आए हैं बहुत दूर दूर से ट्यूलिप गार्डन घूमने के लिए। ये देखिए हम लोग तो सुबह 8:30 को आए थे, अभी देखिए एक घंटे के बाद देखिए कितने लोग भर गए, और भी दूर दूर तक तो पूरा क्राउड ही है। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ पर वैसे ऐसा कुछ एक्टिविटीज वगैरह तो नहीं है, बस गार्डन एंजॉय करना है आप लोगों को, फूल का व्यू और फोटो सेल्फी वगैरह लेना है। यहाँ पर ट्यूलिप गार्डन जो है एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर आना है और एंजॉय करना है, फूल का व्यू फोटोज लेना है, मेमोरीज बनाना है फैमिली के साथ। बहुत अच्छा है यहाँ पर आने के लिए, और यहाँ पर फेस्टिवल भी रहता है, फूड फेस्टिवल वगैरह, वो सब एंजॉय करना है। तो हम यहाँ से अभी निकलेंगे दूसरी डेस्टिनेशन की ओर। आज प्रॉपर श्रीनगर टूर कर रहे हैं हम लोग यहाँ से बादामवाड़ी भी जाएंगे, तो चलिए चलते हैं। हेलो हेलो इतना प्यारा बच्चा क्या कर रहा है पानी में? आपका बच्चा है? नहीं नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, चलते हैं। यहाँ पे बच्चे लोग खेल रहे हैं, और सैटरडे संडे को गाइस बहुत ज्यादा क्राउड होता है। नॉर्मली वीकडेज में भी रहते हैं, लेकिन वीकेंड्स में ज्यादा क्राउड होते हैं, और यहाँ पर लोकलाइज भी बहुत आते हैं दूर दूर से कश्मीर से घूमने के लिए। देख सकते हो आप लोग बहुत भीड़ है। ये देखिए बच्चे लोग यहाँ पर कितना प्यारा खेल रहा है, ऐसा फैमिली क्राउड ज्यादा है यहाँ पे। सुंदर सुंदर है बहुत, यहाँ के लोग बहुत सुंदर है। हेलो आपका नाम बताइए। आपका नाम? कौसर। वाओ कहाँ से आए? कहाँ से आया? कुलगाम। यहाँ से दूर है? कितना घंटा? लगभग डेढ़ घंटा। डेढ़ घंटा, अच्छा अच्छा। आपका आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीनादिया। नीनादिया, वाओ कितना खूबसूरत है आप लोग। अच्छा सेल्फी लिया था मेरे साथ, तो इसीलिए बात किया इनको। जी नाम क्या नाम है बच्चा? क्या नाम है? ओले सुहा रोता बच्चा, ओयो रो गया बहुत प्यारा है। ओले ले ये देखिए कितना भीड़ हो गया अभी, ये देखिए बापरे। अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, बाय। सेल्फी लिया उसके साथ अभी। आप लोग कभी भी हेलो सुंदर है। अच्छा लग रहा है ट्यूलिप गार्डन? बहुत ज्यादा सुंदर है ट्यूलिप गार्डन। मन खुल गया ना? मन कैसा लग रहा है? आइए यहाँ पे, बहुत ज्यादा सुंदर है, और अप्रैल मंथ भी बेस्ट है। अप्रैल मंथ ना? हाँ अप्रैल मंथ बेस्ट है, पूरा फूल खिल गया है अभी। यहाँ पे परिवार लोग पिकनिक खा रहे हैं, ऐसा भी करते हैं यहाँ पे। और मेक श्योर टू कम बहुत लाइक अर्ली मॉर्निंग, जल्दी जल्दी आने के लिए, क्योंकि बहुत क्राउडेड हो जाता है। यहाँ देखिए बाहर पूरा फूड स्टॉल लगा है, कुल्फी का, बिरयानी का, और उस साइड कुछ स्टॉल लगा है। हाँ ये देखिए ट्यूलिप गार्डन के बाहर बहुत ज्यादा फूड स्टॉल लगा है, फूड फेस्टिवल है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे आए हैं, ये है निशात बाग पार्क। अंदर चलिए, बहुत चलते हैं, बहुत सुंदर लग रहा है बाहर से। ये है डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर कश्मीर, मुगल गार्डन निशात। टिकट काउंटर है ये, एडल्ट के लिए 24, चाइल्ड के लिए 12 रुपए। ये देखिए बाहर से बहुत सुंदर है, अभी अंदर चलते हैं यहाँ से। टिकट जैसे ही अंदर घुसते हैं, दिस समथिंग लाइक दिस द व्यू, पूरा मुगल लुक है, व्यू है। ये भी गार्डन है, ये देखिए यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, यहाँ से डल लेक का व्यू ऊपर से दिखता है, यहाँ बैठ के बहुत सुंदर है। हाँ बच्चे लोग खेल रहे हैं, स्कूल के बच्चे लोग बहुत आए हुए हैं। देखिए ये देखिए गाइस, यहाँ ऊपर से ऐसा व्यू है रास्ते का, और उस साइड डल लेक का व्यू है।
वाओ, वो लोग पीछे फोटो ले रहे हैं, मैं वेट कर रही हूँ। मैं ज़्यादा फोटो क्लिक नहीं करूँगी क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ वीडियो पे, यूट्यूब पे। फोटोस एक दो चल जाएगा मेरे लिए, तो मैंने एक दो फोटोज ही लिया है। गार्डन ऑफ ग्लैडनेस, गार्डन ऑफ जॉय, गार्डन ऑफ डिलाइट कहा जाता है ये गार्डन को। और ये गार्डन जो है पर्शियन बेस्ड है, ये गार्डन निशात गार्डन जो है मुगल बेस्ड। ये निशात गार्डन जो है सेकेंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन है यहाँ पर कश्मीर में। ये गार्डन जो है पूरा टेरेस फॉर्म में है, ज्यादा टेरेस 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 करके ऐसे ऐसे करके है ज्यादा। ये गार्डन जो है टोटल 46 एकर्स का है। वाओ, ये तो बहुत बड़ा है, 46 एकर्स पता ही नहीं था। टुलिप गार्डन जो है 30 एकर्स का है और ये गार्डन जो है 46 एकर्स का है। और ये गार्डन निशात मुगल गार्डन जो है 1633 AD को ओपन हुआ था, विच इज़ वेरी ओल्ड, राइट? 1633 AD, जस्ट इमेजिन, बहुत पुराना है। इतना अच्छे से वेल मेंटेन्ड है टूरिस्ट के लिए। फोटो मैंने खींच लिया डल लेक पे भैया। नहीं भैया, तो यहाँ पर फोटो एल्बम है, देखिए आप लोगों को कैसा फोटो क्लिक करना है। हाँ, वैसे आप लोग चॉइस करके कर सकते हो। ये वो भी आया था ना, कहाँ के, ये देखिए सिद्धार्थ शुक्ला जी भी आया था यहाँ पे, वेरी फेमस। उसके बाद तो गाइस यहाँ पर कॉस्ट्यूम है, आप लोग यहाँ से लेके कश्मीरी आउटफिट लेके फोटो क्लिक कर सकते हो गार्डन का लुक पे, बहुत सुंदर होता है भैया। तो गाइस मैं ये कश्मीरी आउटफिट पहन रही हूँ यहाँ पर फोटो क्लिक करने के लिए। डल लेक पे भी किया था और यहाँ पर गार्डन पे भी कर रही हूँ। ये लाल कलर का पहना है, वहाँ पर मैं दूसरा कलर का पहना था। सो नाइस। तो गाइस मैं तैयार हो गई हूँ। मैंने ये वाला तो नहीं पहना था डल लेक पे, दूसरा वाला पहना था, थोड़ा अलग डिजाइन का था। डल लेक में ये ओरिजिनल कश्मीर का ड्रेस है, डल लेक में पहन, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल है ना। अच्छा, ये ओरिजिनल है पूरा कश्मीरी, ऑथेंटिक कश्मीरी पूरा ट्रेडिशनल के साथ। कितना अच्छा लग रहा है, अभी फोटोज लेंगे। तो गाइस मैंने अभी फोटो खींचा है, इतना सुंदर है दिस आउटफिट। लेट मी नो कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आप लोगों को। बाकी लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं गार्डन, मैं बस अकेली यहाँ पर फोटोज ले रही हूँ। फोटो क्लिक करके हो गया, अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। हार्ड कॉपी ले लेगा, एक फोटो का 150 रुपीज़ लिया, विच इज़ सो एक्सपेंसिव। और नहीं बोलता है कि फ़ोन पे नहीं देगा, बोलता है फ़ोटो, तो इसलिए आप लोगों को बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि अपना फ़ोन से भी क्लिक करना है बोल के। जितना फ़ोटो उन लोगों का कैमरा में खींचेगा हार्ड कॉपी मतलब फोटोग्राफ वाला, उतना ही फ़ोन में भी अलाउ करेगा बोला, तो इसलिए मैंने 3 क्लिक किया और 3 ही फ़ोटो अर्जेंटली फ़ोन पे क्लिक किया। बस मेमोरीज ही बन जाएगा ना, तो वही है, अभी निकल रहे हैं यहाँ से। तो गाइस कश्मीर में एक बात तो है, फूल आपको हर किस्म के देखने मिलेंगे, इतना सुंदर सुंदर फूल है, आपका मन भर जाएगा फूल को देख के। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं एग्जिट गेट से। एग्जिट एग्जिट एग्जिट, ओ तो हम यहाँ से आउट हो गए अभी और हमारे टैक्सी पे बैठ जाएंगे दूसरे डेस्टिनेशन के लिए। पालक का एक प्लेट और प्याज का एक प्लेट, ऑनियन पकौड़ा और पालक पकौड़ा ले रहे हैं खाने के लिए। यहाँ से वो लोग ऐसा नाप करते हैं, नाप करके यहाँ पर ऐसा करते हैं। तो हमने पालक पकौड़ा और प्याज पकौड़ा थोड़ा थोड़ा पैकिंग कर लिया है खा खा के, अभी हम लोग दूसरे डेस्टिनेशन की ओर जाएंगे और थोड़ा बहुत शॉपिंग भी कर लिया है। तो अभी हम आए हैं बादाम वेयर, ये भी गार्डन जैसे ही है, डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर कश्मीर। तो ये है 48 रुपीज फॉर 2 एडल्ट। लुक एट द व्यू, सुंदर है। तो यहाँ पर भी गार्डन है, ये देखिए पूरा पूरा फ्लावर खिल गया है, ब्यूटीफुल। बादामवाड़ी गार्डन जो है 14th सेंचुरी से पहले एग्जिस्ट करता था। फ्लावर्स बहुत सुंदर है, मैं पहली बार देख रही हूँ ये फ्लावर्स जो है, बहुत सुंदर से खिला हुआ है। यहाँ पर पूरा डोम्स से भर के है और बहुत सुंदर लग रहा है। उस पीछे में आप देख सकते हो पहाड़ पे गुलमर्ग, यहाँ से दिख रहा है गुलमर्ग का पहाड़। तो मेरे पीछे देख सकते हो ये लोग फोटो सेशन कर रही है। अगर आप लोग नेचर लवर है और फ्लावर लवर है, तो अभी तक ये इस ब्लॉग पे जितने भी गार्डन दिखे हैं आप लोगों को ज़रूर विजिट करना है, क्योंकि इट्स फुल ऑफ फ्लावर्स
ट्यूलिप गार्डन पे भी, ये बादामबाड़ी गार्डन पे भी, और वहाँ पर निशात गार्डन पे भी, सब जगह पे फ्लावर्स ही फ्लावर्स आप लोगों को दिखेगा और नेचर ज़्यादा दिखेगा आप लोगों को। यहाँ पर थोड़ा सा फोर्ट जैसा भी है, ये डोम्स है, और यहाँ पर एलमंड ट्री बहुत है, एलमंड ट्री पे बहुत सारा फ्लावर्स दिखेगा आप लोगों को। ये देखिए गार्डन में बहुत सारे फैमिलीज आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं और नेचर का मज़ा ले रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हर एज ग्रुप के लोग आते हैं। यहाँ पर ये फूल अभी भी खिलने वाला है और ये खिल गए, ये देखिए बहुत सुंदर है। टू बी ऑनेस्ट गाइज, टुडे इज़ नॉट माई डे, क्योंकि मेरा फर्स्ट डे ऑफ पीरियड स्टार्ट होने वाला है। इट्स लाइक जब मेरा पीरियड स्टार्ट होने वाला था, बहुत गंदा वाला मूड स्विंग्स आता है बहुत ज़्यादा, तो मेरा बहुत मूड, आई डोंट नो, बहुत लेथार्जिक हो रहा है और कर से हो रहा है। दैट्स नेचुरल राइट गाइज, दैट्स मेनी ऑफ द गर्ल्स विल रिलेट टू मी, अगर आप लोगों का भी ऐसा होता है, एंड स्पेशली ड्यूरिंग वेन वी ट्रैवल, ऐसा इतना दूर आया, इतना खर्चा करके इतना दूर घूमने आया है और ऐसा पीरियड हो जाता है और मूड स्विंग्स आ जाता है तो बहुत तकलीफ हो जाता है। बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कीप माई मूड एनलाइटन मूड, खुशी खुशी वाला मूड, और ब्लॉग कर रही हूँ क्योंकि आई कॉन्ट वेस्ट द डे, एंड बार बार दोबारा दोबारा तो नहीं आएगा ये सब जगह पे। कश्मीर भी तो कौन बार बार आ पाएगा, हम लोग तो एक बार आए हैं और बहुत एक्सपेंडिचर भी होता है एज अ टूरिस्ट। और मैं आप लोगों को सारा आइटनरी और खर्चा, कितना एक्सपेंडिचर टोटल विथ फ्लाइट इंक्लूसिव, आप लोगों को शेयर भी करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। सारे व्लॉग पे मैं बाद में एडिट करके दूंगी जब ट्रिप खत्म हो जाएगा, तो बने रहिए व्लॉग पे गाइस। ब्यूटीफुल, वो देखिए ऊपर फोर्ट है और यहाँ पर गार्डन है, बादामवाड़ी फोर्ट ऊपर है और ये गार्डन है, बहुत सुंदर है। बहुत सारे टूरिस्ट बार-बार के बैकग्राउंड में ये लोग का बात करने वाला फोटोज क्लिक कर रहे हैं। ये बहुत सुंदर है पेड़, देखिए पूरा फूल से बना है। दोरी दोरी जा, दोरी दोरी मतलब ऐसा में से भाग भाग के जाओ। बहुत एक्साइटेड है गार्डन को देख के, ऐसा खुशी हो गया। दिन दहाड़ा गार्डन घूमने थोड़ा सा आलसी भी होता है, तो इसलिए आते समय सबका मूड थोड़ा नींद नींद वाला था, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद फूल खिला हुआ देख के सब खुश हो गया और रील्स वगैरह बना रहा है, डांस कर रहा है। तो यहाँ से सॉफ्टी लिया 20 रुपए वाला, ये वेदर पे सॉफ्टी खाना बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा कौन सा लगा आपको, हम लोग इतना ज़्यादा गार्डन गया? मुझे सबसे अच्छा ट्यूलिप गार्डन लगा, सेकंड ये वही है, सेम ही है सब में। इन सब में बहुत मज़ा है, फूल ना, हाँ फ्लावर्स के लिए है वही, ऐसा लगता है कि अलग ही कंट्री में है। इंडिया में ऐसा फ्लावर्स वाला जगह नहीं है आपको कौन सा अच्छा लगा सबसे गार्डन सुबह से लेके अभी तक का? सबसे अच्छा तो ज्यादा मतलब अगर देखने वाला है तो ट्यूलिप गार्डन ज्यादा अच्छा है, उसके बाद बादामबाड़ी अच्छा है, यहाँ पे मतलब ग्रीनरी ज्यादा है और वहाँ पे फ्लावर्स का, तो दोनों का ही अलग अलग होगा मतलब अच्छा ही, ज्यादा मुझे ट्यूलिप गार्डन अच्छा लगा सबसे पहले ना। मुझे भी सेम है, दीदी को भी सेम है, आपको? मुझे भी सेम, ट्यूलिप गार्डन ही अच्छा लगा सबसे, क्योंकि वहाँ पे ट्यूलिप पूरा फुल्ली ब्लॉसम है, भर के है ना, भर के। यहाँ पे तो अभी क्या हो गया, सब लीफ निकल गया, मतलब फ्लावर सब चला गया, नहीं तो पहले पूरा पिंक व्हाइट पूरा रहता था, अभी सब ग्रीन ग्रीन सब निकल गया। हम लोगों का शायद टाइमिंग ना, टाइमिंग मतलब थोड़ा लेट हो गया, बट स्टिल बहुत सुंदर है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, ये भी जरूर आना। इफ यू आर समवन हु इज नेचर लवर तो जरूर आना चाहिए आप लोगों को। एंड ऑल्सो आप लोगों को अगर पिकनिक पसंद है तो आप लोग जरूर यहाँ पर कुछ मुझ कुछ कुछ खाने के लिए लेके आके यहाँ पर बैठ के खा सकते हैं, गार्डन का एंजॉय करके और खाना पीना कुछ कुछ खा के नेचर के साथ अच्छा लगेगा। तो फाउंटेन सुंदर है, वाओ। ये देखिए ये जितना भी पेड़ आपको दिख रहा है ग्रीन ग्रीन वाला, सब एलमंड ट्री है। ये देखिए गाइस जितने भी लोग आए सब लोकलाइज है मैक्सिमम, और सब टिफिन विफिन लेके आया है, यहाँ पर खाना खा रहे हैं नज़ारे के साथ एंजॉय करके, कितना अच्छा लग रहा है देख के। तो गाइस हम लोग लंच करके वापस आ गए हैं हाउस बोट पे, अभी हम लोग सब रेस्ट करेंगे, बहुत थक गए हैं क्योंकि कंटिन्यूसली डे एवरी डे अर्ली मॉर्निंग
6 बजे को उठता है और चला जाता है, घूम के आता है। ऐसा अभी शाम का 4 बजने वाला है और हम लोग सब रेस्ट करेंगे, फोटोज वीडियो सब एडिट करेंगे अपना अपना सोशल मीडिया में पोस्ट करने के लिए। मैं तो एवरीडे डेली व्लॉग कर रही हूँ, तो इसीलिए मुझे स्पेशली थोड़ा सा टाइम भी चाहिए व्लॉग एडिट करने के लिए। तो यस गाइस, अभी शाम को मार्केट, लोकल मार्केट जाएंगे। आज लास्ट नाइट होगा यहाँ पर, तो हम लोग थोड़ा सा अस टाइम भी स्पेंड करेंगे सब लोग साथ में अपार्ट फ्रॉम व्लॉगिंग। तो इसलिए जल्दी व्लॉग खत्म कर रही हूँ मैं। आई होप आपको, आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एज वेल। बाय बाय गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।